कल वाल्मीकि जयंती है, वाल्मीकि समाज के लोगों का सबसे बड़ा दिन है और आप हमेशा वाल्मीकि लोगों के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हिंदूवादी नेता। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि वाल्मीकि जयंती और महर्षि वाल्मीकि, बहुत लोगों को आज की जनरेशन को नहीं जानकारी है, त्रेता युग में त्रिकालदर्शी महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना कर एक विश्व ग्रंथ, मैं कहूँगा विश्व ग्रंथ बना दिया। आज मैं कहता हूँ कि आप लोग पिक्चर देखते होंगे, हमारी नई जनरेशन पिक्चर देखती होगी। आज अगर मैं किससे पूछूँ कि सबसे बड़ी पिक्चर जो हिट हुई है पूरे विश्व में कौन सी है, तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। तो मैं आज बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो विश्व प्रसिद्ध फिल्म है, ग्रंथ है, वो है रामायण। आज हर साल प्रतिवर्ष उसका मंचन होता है, लोग एक सीख लेते हैं भाईचारा, आपस में भाई भाई का क्या प्रेम था, माँ बाप का क्या प्रेम था, राक्षसों का कैसे नाश किया, सच्चाई पे यानी बुराई पे सच्चाई की कैसे जीत हुई, तो ये सब चीज़ें दर्शाती है, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं कहता हूँ इससे बड़े ग्रंथ, इससे बड़ी कोई पिक्चर, इससे बड़ा कोई इतिहास इस संसार का नहीं होगा। तो इतना पुराना प्राचीन ग्रंथ और इतने बड़े त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके हम वाल्मीकि समाज को इस लायक बनाया कि आज महर्षि वाल्मीकि से राम जी को जाना जाता है। अगर वाल्मीकि जी रामायण को नहीं लिखते, उसकी रचना नहीं करते, तो आज के युग के इस नौजवानों को कैसे पता चलता कि वाल्मीकि जी कौन है, रामायण की रचना किसने की? तो मैं आज के इस युग में महर्षि वाल्मीकि जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, फख्र करता हूँ कि मैं समाज से हूँ, मैं वाल्मीकि जी की एक संतान हूँ। तो आज वाल्मीकि समाज को एकत्रित होने की आवश्यकता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ राजनीतिक लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं दलित समाज पे, वाल्मीकि समाज का, छोटी छोटी बातों को लेकर के इस तरीके से। तो मैं कहता हूँ कि भैया, ये धर्म परिवर्तन से जब जिस व्यक्ति ने अपने धर्म में रह के अपने समाज का उद्धार नहीं किया, क्या वो दूसरे समाज में जाके उसका उद्धार कर पाएगा? ये धर्म परिवर्तन एक समाज को तोड़ने का बहुत भयंकर षड्यंत्र है। आज मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज को, सभी वर्गों को जोड़ने का एक माला में पिरोने का काम किया है। ये समाज, ये देश एक गुलदस्ता है। मैं उन फिरका प्रस्तागतों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि समाज को, दलित समाज को ना तोड़े, आपस में भाईचारा खराब ना करें और वाल्मीकि रामायण का अनुसरण करके उससे शिक्षा ले। और तमाम नौजवानों को और देशवासियों को यही कहूँगा कि जो रामायण है, भगवान महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रचित है, उसका अनुसरण करें और रामायण का पाठ करें, जिससे कि एक भाईचारे का पता चले और महर्षि जी द्वारा जो राम की कीर्ति जग पूरे विश्व में फैली है, उसका एक व्याख्यान हो और एक अच्छी सद्बुद्धि आए। जात धर्म परिवर्तन करने से कुछ नहीं होने वाला, इससे सिर्फ समाज टूटेगा। ये देश एक गुलदस्ता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उनको आगे बढ़ाना है, देश को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। चंद्र जी, आप घाटी में भी काफी सक्रिय रहते हैं और जयंती के उपलक्ष्य में आप क्या करने वाले हैं घाटी? महर्षि वाल्मीकि जयंती को पहले कभी वाल्मीकि समाज अपने आप को बताने से घबराता था, जब से हमने कदम रखा महर्षि वाल्मीकि का, इस वक्त बहुत भव्य कार्यक्रम, जागरण और एक सम्मान समारोह, वहाँ बड़े बड़े जो राजनेता हैं, सभी दलों के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा जम्मू बस स्टैंड के पास टाउन हॉल के अंदर। ये कल हमारा कार्यक्रम 1 बजे शुरू हो रहा है, पूरा देश के अंदर देश देखेगा इस कार्यक्रम को कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक महर्षि वाल्मीकि रामायण और उनके रचयिता को किस तरह पूरा देश नमन कर रहा है। जैसे कि मन की बात में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि जी एक जो है कहते हैं त्रिकालदर्शी थे, आज उनकी कीर्ति अमर रहे और इसके लिए हम पूरा समाज, पूरा देश अग्रसर है। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।